नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। आज हम बात करेंगे हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल पर आज पूरे देश की नजर है। हिमाचल की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। हिमाचल को एक और मुखिया मिल गया है। तो हिमाचल में बीजेपी का जो मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार था, करीब एक हफ्ता गुजर जाने के बाद उस सस्पेंस पे से पर्दा उठा दिया गया है। तमाम वाद विवाद और तकरारों के बीच आज राजधानी शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक की गई। इस बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया, वो फैसला जिसका हिमाचल की जनता को इंतजार था, जिसका पूरे देश के सियासतदान इंतजार कर रहे थे कि आखिर बड़ी जिम्मेदारी किसको मिलेगी। तो वो फैसला ले लिया गया है, जिसके चलते सूबे को नया सूबेदार मिल गया है। तो मतदान हो जाता है, मतगणना भी हो जाती है, फैसला भी आ जाता है कि सरकार में कौन सी पार्टी आएगी। जो एंटी इनकम्बेंसी लगातार देखी जाती है, उसी चुनावी रिवाज की तर्ज पे, साथ ही जो बीजेपी कहती है कि मोदी लहर के चलते या फिर कोई भी कारण हो, आखिरकार बीजेपी को सत्ता मिलती है लेकिन हिमाचल को सीएम मिलता है एक हफ्ते के इंतजार के बाद। आज दोपहर को राजधानी शिमला के होटल पीटर हाफ में उस बड़ी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। फैसला ये कि हिमाचल को नया सीएम दिया जाएगा। करीब 7 दिन तक चले इस मंथन के बाद सूबे को एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। हिमाचल को मिला नया सीएम, जयराम ठाकुर के नाम पर लगी मोहर। खबरें अभी तक ने दिखाई थी सटीक खबर। 21 दिसंबर को ही बता दिया था ठाकुर होंगे सीएम। बीजेपी की खबरें अभी तक के सर्वे पर मोहर। हिमाचल में जय जय राम। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। रविवार को शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में इसका फैसला हुआ। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जयराम ठाकुर के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर मोहर लगी। ठाकुर के अलावा किसी और के नाम का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ। इस बैठक में दोनों ऑब्जर्वर, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा हिमाचल प्रदेश के सभी बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा सांसद पहुंचे थे। बैठक के बाद नरेंद्र तोमर ने कहा कि इस बैठक की अध्यक्षता हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की। इस बैठक में नए नेता के चयन की प्रक्रिया पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि चर्चा में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और संसदीय बोर्ड के फैसले को सामने रखा गया। इसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री धूमल भी शामिल हुए। बैठक में जयराम ठाकुर को विधायक दल का नेता चुना गया। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान ही पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेम कुमार धूमल को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था। उनके नेतृत्व में पार्टी ने स्पष्ट बहुमत तो पा लिया, लेकिन वो खुद अपनी सीट बचाने में फेल हो गए, जिसके बाद सीएम कौन बने इसे लेकर शुरू हुई चर्चा। और आज तमाम अटकलों के बाद आखिरकार ठाकुर को प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। और जयराम ठाकुर ने भी आभार प्रकट करते हुए मोदी शाह समेत बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। सबसे पहले धन्यवाद करना है सभी आदरणीय विधायकगण का, प्रदेश की जनता का, जिनने विधायक दल के नेता के रूप में आज विधायक दल ने मुझे यहाँ पर चुना है। और प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमको समर्थन देकर के सत्ता में लाया है। निश्चित रूप से जो आने वाले समय में जो जितनी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब साथियों के साथ अब काम करना शुरू करेंगे। और मैं अभी लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमें राज्यपाल साहब के वहाँ पर जाना है। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रदेश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ और विधायक दल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धूमल जाएंगे राज्यसभा। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रेम कुमार धूमल को अप्रैल में राज्यसभा में भेजेगी, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा की जगह प्रेम कुमार धूमल या अनुराग ठाकुर को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं इस बीच प्रेम कुमार धूमल ने खुद को मुख्यमंत्री की दावेदारी से अलग करते हुए साफ कहा कि इस मामले में पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगी वो माना जाएगा। गौरतलब है कि गुरुवार और शुक्रवार को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के दौरान धूमल और जयराम ठाकुर के समर्थकों की ओर से किए गए हंगामे का पार्टी हाईकमान ने कड़ा संज्ञान लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी शक्ति प्रदर्शन को गलत बताया था और दोनों टीमों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही थी।
एक हफ्ते का इंतजार ये कम नहीं होता जब ये तय हो जाए कि सरकार किसकी बननी है और सीएम पद का उम्मीदवार कौन था। हालांकि सीएम पद के उम्मीदवार हारे और जयराम ठाकुर भी शुरुआत से रेस में नजर आ रहे थे और खबरें अभी तक लगातार आपको खबर देता रहा कि जयराम ठाकुर को बड़ी कुर्सी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इसी खबर पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने मुहर भी लगाई है, जयराम ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन उसके बाद भी सवाल कई है। हिमाचल की राजनीति के लिए ये कितना बड़ा दौर माना जाएगा और कितना विकास, कौन कौन से मुद्दे वो होंगे जो चुनौतियों के तौर पर सामने होंगे और साथ ही क्या बीजेपी के भीतर घात की बातें भी निकलकर सामने आ सकती हैं, चर्चा करेंगे। एचएस लक्की साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता आप हैं और साथ ही अभिषेक शांडिल्य मेरे सहयोगी भी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे। तो चर्चा करते हैं, लक्की साहब आपके पास आएंगे। हालांकि आप लोगों की सत्ता गई लेकिन हिमाचल को सीएम नया मिला है, आज फैसला ले लिया गया, आज घोषणा बीजेपी की ओर से कर दी गई, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नए मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल के जयराम ठाकुर जी को, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला हिमाचल के अंदर। मगर साथ ही साथ यह भी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हिमाचल की जनता ने उनको वोट देकर वहां पर कुर्सी पर बिठाया है जी। आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह के वादे उन्होंने चुनाव प्रचार के अंदर किए, उन वादा को वो पूरा करने का काम करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से देश की जनता को मोदी सरकार ने जिस तरह के वादे किए थे, उसी तरह के झूठे खोखले और नारे साबित हो, उसी तरह से जुमलों की सरकार बनकर रह जाए हिमाचल की सरकार। चलिए अभिषेक का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी लगातार हिमाचल में बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर वो हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं नए मुखिया के नाम का ऐलान होने के बाद? तो नए जो मुखिया हैं उनका ऐलान हो गया है, बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिला है। लक्की साहब, क्या कुछ लगता है? हालांकि बीजेपी के जो सीएम हैं और बीजेपी की जो सरकार है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक जवाब आप दे दीजिए, क्या लगता है कौन से बड़े वो कारण रहे जिसके चलते आपके हाथ से, कांग्रेस के हाथ से सरकार छूटी? देखिए, कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया, वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने, और मैं क्योंकि हिमाचल में खुद चुनाव का प्रभारी था, वहां पर ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी से तरफ से मुझे लगाया गया था और हिमाचल की कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने का वहाँ पर समय मिला और मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर जाकर जो एक बात वहाँ पर हमें कॉमन नजर आई, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हमारे कैंडिडेट्स ने ये जरूर कहा कि पिछली सरकार ने, जो वीरभद्र जी की सरकार है, उसने बहुत काम किया है और बहुत से ऐसे काम है। वो ठीक है कि इस समय देश में एक माहौल इस तरह का बनाया गया है और एक मोदी जी की बात जगह 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 लोग कहते थे कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत की बातें जो लहर करती है वो निराधार है। आपसे जानेंगे, आएंगे आपके पास। फिलहाल अभिषेक है मेरे सहयोगी, हिमाचल से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है और फिलहाल किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए ज्योति, जो अपडेट है वो जश्न का है, जश्न किस अपडेट के साथ बनाया जा रहा है हम आपको वो दिखाएंगे। तस्वीरें सीधे देखिए, हम उसी मंच पे खड़े हैं जहाँ पे सीएम साहब खड़े हैं, जहाँ पे सीएम ठाकुर जय साहब खड़े हैं, उनको लोग बधाइयां दे रहे हैं, लोग उनके साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो अपने नए सीएम के साथ है। और लगातार यही कुछ चल रहा है पिछले दो घंटे से, वो अलग अलग जिलों से अलग अलग कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें कोई हिमाचल की टोपी पहना रहा है तो कोई उन्हें कुछ भी भेंट कर रहा है, कोई उन्हें शॉल भेंट कर रहा है तो कोई उन्हें गुलदस्ता भेंट कर रहा है। ये जो तमाम कार्यकर्ता थे, ये हॉल चेंज किया गया, पहले वो दूसरे हॉल में बैठे थे और वहाँ पे जो हॉल थी वो हॉल था वो छोटा पड़ गया, उसके बाद यहाँ पे इन्हें बड़े हॉल में आना पड़ा। उनके तमाम कार्यकर्ता वहाँ पर थे लगातार, और अगर आप तस्वीरों में देखिए तो किस तरीके से सीएम साहब लोगों से स्वागत उनका किया जा रहा है, काफी लंबे टाइम से स्वागत किया जा रहा है सीएम साहब का। और यहीं से आप ज्योति कह सकती हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका प्रोटोकॉल भी तैयार हो गया है और इसी प्रोटोकॉल के साथ उनको स्वागत भी दिया जा रहा है। दरअसल आज मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला दिन है और सीधी तस्वीरें हिमाचल के लोग लगातार देख रहे हैं। अगर आप देखिए तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका पूरा प्रोटोकॉल तैयार हो गया है, अब वो प्रोटोकॉल के भीतर है, यानी कि शपथ लेने से पहले वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। बहुत 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 छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा और सीधे तौर पर सीएम साहब हमारे साथ हैं। सीएम साहब, पूरा हिमाचल आपको देख रहा खबरें अभी तक पर, और लगातार लोग यहाँ भी बधाई दे रहे हैं, चैनल पर भी बधाई दे रहे हैं, एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहूंगा खबरें अभी तक से आप दीजिए। बधाई का स्वाभाविक रूप से आना है, मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ जो बधाई दे रहे हैं। हालांकि मैं कई लोगों से पहुँच पा रहा हूँ, कई लोग से नहीं पहुँच पा रहा हूँ सरिस में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं,
जो व्यक्तिगत रूप से जो यहाँ पर नहीं भी पहुँचे हैं, जो फ़ोन करके संदेश दे रहे हैं, तो उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ और उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा जो हमारे साथ हमारे लिए शुभकामनाएं जो हैं प्रेषित कर रहे हैं। हमने एक सर्वे किया था फोन लाइन पर, कुल 60 फोन आए थे हमारे चैनल पे, जिसमें से 40 से ज्यादा फोन सर आपके नाम के आए थे। सीएम जब आपका नाम चल रहा था सीएम बनने के लिए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं पर वो आपको अपने दिल में रखते हैं, जो आपको जानते हैं? मैं इसी बात के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज मिल नहीं पा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में मैं उनसे भी मिल सकूँ और उसके साथ साथ उन्होंने जो भावनाएं अपनी व्यक्त की हैं और मुझे सपोर्ट किया है सारी चीज़ों के लिए, आगे बढ़ने के लिए और हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व जो है वो देने के लिए, उस दृष्टि से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर एक आखिरी सवाल भाई मैं आपसे पूछूंगा, पिताजी ने बेहद ही गरीबी देखी, बेहद ही उस दौर से आए जहाँ से लोग उठकर नहीं आना चाहते हैं, आप आज मुख्यमंत्री बने, वो दौर वो नहीं देख पा रहे हैं, माता जी देख पा रही हैं, कितना याद करते हैं आप? निश्चित रूप से ये बड़े मेरे लिए बड़ा इमोशनल एक विषय है। कल मेरे पिताजी को एक साल गुजरे हुए इस दुनिया को छोड़ करके होने वाला है। आज मुझे लगता है कि अगर जिंदा होते तो हम सब खुशी, हमारी सारी खुशी में वो शरीक होते, क्योंकि उन्हें बहुत कठिन दौर में से अपनी ज़िंदगी गुजारी है और एक वर्ष के इसमें जो है वो समय से हमारे बीच में नहीं है। हम हमेशा उनको याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को, उनके योगदान को याद करते हैं। तो ये नए मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके पिताजी नहीं हैं, शायद वो याद करते हैं, यही बात उनकी माताजी भी कहती हैं कि पिताजी होते ज्योती तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता। एक साल पहले, ठीक एक साल पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उनके पिताजी ने बहुत ही मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारी, बहुत उस दौर को देखा जिस दौर में शायद बहुत सारे लोग काम कर यहां अपने बेटे को नहीं पहुंचा पाते, लेकिन आज उनका बेटा 5 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज मुख्यमंत्री बन गया है उनका बेटा, उनको फक्र होगा उनके पिता को भी, उनके परिवार को भी, और शायद देखिए खबरें अभी तक के सवाल पर उनकी आंखें नम हो गई। ज्योति बिल्कुल अभिषेक, और साथ ही उस बात पर भी कहीं ना कहीं अभिषेक जो दावा किया जाता है बीजेपी की ओर से कि एक आम परिवार से, एक गरीब परिवार से आप उठकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकते हैं, देश के पीएम भी आप बन सकते हैं, एक और आम परिवार से हिमाचल को सीएम मिला। देखिए बिल्कुल ये बहुत ही सामान्य सी बात है, भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान की ताकत है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बड़े से बड़े पद पर बन सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की बात हो, जयराम ठाकुर की बात हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री की बात हो, ये इस देश की संवैधानिक ताकत की एक खूबसूरती है जिसको बहुत ही सुनहरे शब्दों में लिखा गया है ज्योति। और शायद इसीलिए जयराम ठाकुर जैसे उन छोटे परिवारों से निकले हुए लोग जिनके बारे में लोग कहते हैं कि अपनी जिंदगी गुजारेंगे, वो आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इतना आसान नहीं है उनके लिए सफर, पार्टी के अध्यक्ष बने, मंत्री रहे, और कई बार उनके सियासत में उतार, हालांकि उन्होंने उतार अभी तक सियासत में नहीं देखा, वो सियासत के हमेशा अब वाले पोजीशन पे रहे, और शायद आज उसका नतीजा रहा कि किस्मत का भी रोल बहुत ज्यादा रहा। धूमल साहब चुनाव हार जाते हैं, किस्मत उनके झोली में थी, लेकिन देखिए होता वही है जो खुदा मंजूरे होता है, किस्मत उनके साथ से निकलकर इनके सिर पे सज जाती है और प्रेम कुमार धूमल के बजाय इस प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं जयराम ठाकुर। ज्योति अभिषेक बने रहिए आप हमारे साथ, स्टूडियो में भी मेहमान हैं हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए, गुरप्रीत ढिल्लो साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता आप हैं, तो स्वागत है दोनों मेहमानों का इस चर्चा में। ढिल्लो साहब आपसे जानेंगे, हालांकि इंतजार आप लोगों ने करवाया, हफ्ता एक गुजर चुका है उसके बाद घोषणा की जाती है, शुरुआत में कितना साफ था कि जयराम ठाकुर को ये जिम्मेदारी दे सकती है पार्टी? देखिए जयराम ठाकुर पार्टी के बहुत ही पुराने और कर्मठ नेता हैं, लगातार उन्होंने 5 बार चुनाव जीता और बड़े ही लंबे समय से युवा मोर्चा से लेकर के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, प्रचारक भी रहे, और उनमें ये एक पार्टी का जो टैलेंट है और पार्टी ने जो उनमें देखा कि एक कूट कूट के भरा हुआ है और वो नेतृत्व करने में सक्षम है, तो इसलिए आज जो पार्टी ने निर्णय किया ये बात सही है कि उस पार्टी के पास बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जो काबिल हैं किसी भी पोजीशन पे आने के लिए, लेकिन जयराम जी को आज ये मौका दिया गया है पार्टी की तरफ से, उन्हें बहुत बहुत बधाई। कितना मुश्किल कितना रहा? देखिए कोई भी निर्णय करना उसके लिए बहुत से पहलू देखने पड़ते हैं, या मुश्किल तो इसमें मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहना चाहता हूँ आज तो बधाई देना चाहता हूँ सिर्फ जयराम जी को
और ठाकुर साहब ने आज यहाँ पे जो कमांड संभालने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, हाँ। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो कांग्रेस का पक्ष एक बार फिर से जानेंगे। लकी साहब, हम बात ये कर रहे थे कि बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, एक और राज्य था कांग्रेस के हाथ में, वो हाथ से खिसका, वो उन आंकड़ों में शामिल हो गया जो बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। देखिए, हिमाचल के अंदर शुरू से एक ये कयावत रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और ये बड़ी देर से ऐसा चलता आ रहा है। पर हमें खुशी इस बात की है कि इतनी ज्यादा उसके बावजूद भी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर जरूर रहता है वहां पर, फिर भी 21 सीटें वहां पर जो कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। और मैं एक समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर एक बड़ी मीनिंगफुल ऑपोजिशन वहां पर कांग्रेस पार्टी वहां पर रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आके जुड़ गए हैं कि सबसे पहले सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब चुनाव हुए उससे पहले भी आप पैनल पर कई बार आए, चर्चा हमने की, तो मैं वही कहना चाहता एक योगदान दें इसके लिए। मैं उनको हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से और युवा कांग्रेस की ओर से और हिमाचल प्रदेश के युवाओं की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। What do you expect as a youth leader from young chief minister who is going to be the chief minister of this state, a young leader of 52 years? We would expect that he creates a new employment in the state, because that is the most important thing, as we have seen in the past also, and it will definitely be an uphill task seeing the financial constraints that the state exchequer faces at the moment, but we are very sure that with the help of the central government they will be able to do good amount of work in the state. I think setting up of new medium small. तो वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से जो नए विधायक या कह लें कि सत्ता की सियासत की शुरुआत करने वाले विक्रमादित्य ठाकुर को आपने सुना, जिनकी ओर से बधाइयां दी गई सीएम को। अभिषेक, आपके पास हम आएंगे। मंडी के लिए कितना बड़ा दिन है कि पहला सीएम मंडी ने दिया है वो जिला, वो लोकसभा सीट जो कि विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी ओर से सीएम। देखिए बिल्कुल ज्योति, मंडी को जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं दरकिनार होना पड़ा किसी वजहों से, चारों लोकसभा सीटों में तीन लोकसभा सीटों की किस्मत हमेशा चमकी, लेकिन जो मंडी का हाल था वो यही था। और खबरें अभी तक ने जब सीएम से बातचीत की तो एक सवाल ये भी पूछा कि सर मंडी के लोग इतने उत्साहित हैं कि लोग कभी अपने शायद अपने निजी कार्यक्रम, अपनी निजी खुशी में इतने उत्साहित नहीं होते होंगे। उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि हमेशा मंडी दरकिनार रहा सियासत में, लेकिन अब शायद नहीं, अब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब आपने तस्वीरें देखी होंगी ज्योति की, किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाच और झूम रहे थे। वो सभी मंडी से आए हुए लोग थे, वो सिराज के आए हुए लोग थे। उसमें से अगर 100-150 लोगों को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि जो संख्या थी वो मंडी के बाहर की थी, वो सिराज के बाहर की थी। अभी भी जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं वो भी सिराज के या मंडी के हैं, यानी कि मंडी के लोगों के लिए सातवां अजूबा, जो आप कह सकते हैं कि आठवां अजूबा उनके लिए, उनका एक सपना था कि उनके जिले से कोई मुख्यमंत्री बने, उनका सपना था कि उनके यहाँ से भी कोई मुख्यमंत्री बने। और सीएम साहब ने भी बोला कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री बनता है वहां की जनता बहुत ही खुश होती है, सिराज के लोग बिल्कुल दीवाने हैं। और अभी भी कहीं कोई नाच रहा है, कहीं कोई झूम रहा है, कहीं कोई मस्ती में है। आप कह सकती हैं कि मंडी के लोगों के लिए आज से बड़ा दिन शायद इतिहास में राजनीति ने कभी नहीं दिया है। जो भी छवि इनकी रही हो, जो भी राजनीति इनकी रही हो, उस हिसाब से जो लोग आए थे उनको देख के लग रहा था कि लोग ये चाहते थे कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने, ताकि मंडी का नाम रोशन हो पाए। शायद ये वो तमाम कारण थे जिसकी वजह से पूरा मैदान जीते। ये सारे कारण थे, तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। आप हिमाचल के बड़े दिन और बीजेपी के जश्न में बने रहिए हिमाचल में, आपसे अपडेट फिर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया अभिषेक आपका ये तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो लकी साहब, आपसे हम बातचीत कर रहे थे, बीजेपी के लिए जो पॉजिटिव चीजें थी वो थी मोदी फैक्टर की हम बात कर लें, या फिर तैयारियां जिस तरह की गई, या धूमल का सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषणा की गई, कांग्रेस में कहां खामियां रही? कोई खामी ऐसी नहीं थी, कांग्रेस ने पूरी मेहनत की, पूरी अच्छे से टिकटों की जो है प्रक्रिया को फॉलो किया गया, उसके बाद टिकटें बांटने का काम किया। और आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि जो हिमाचल विधानसभा है उसके अंदर सिर्फ 68 एमएलए हैं और 21 कांग्रेस जीती है, अगर 34 पहुंच जाती, 10-12 सीट और जीत जाती तो सरकार बन जाती, तो इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा मार्जिन वाली बात नहीं है। और कई जगह पर जो है हार बहुत कम मार्जिन से हुई है, तुलनात्मक रूप से बड़ा मार्जिन है ये, पिछली हार जो हुई है बड़े कम मार्जिन से हुई है कुछ सीटों पर। और मैं समझता हूं कि शायद लगता है कि प्रदेश की जनता को शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा भाई, या उनको लगा कि शायद वो उनके वायदे पूरे कर सकेंगे जो उन्होंने वायदे किए हैं
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, उम्मीद करता हूं कि अब आने वाले दिनों के अंदर जो जश्न है, अब क्योंकि हफ्ता हो गया, हफ्ता पहले सीएम की कयावत बनी रही, चार पांच इनके कैंडिडेट्स थे, उनके अंदर पूरा खींचतान चलती रही, और मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो हमने बधाई दी है नए मुख्यमंत्री को, पर साथ ही साथ क्योंकि अब एक हफ्ता बीत चुका है और ज्यादा समय अब जश्न में नहीं बिताना चाहिए, मैं समझता हूं कि शपथ ग्रहण के बाद जल्दी से जल्दी प्रदेश की सरकार को लोगों को, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। ढिल्लो साहब, आपसे ये जानेंगे, अब भी जिस तरह से फैसला ले लिया गया, हिमाचल को सीएम भी मिल गया, विकास करवाएंगे, स्थिति सामान्य होगी, ये उम्मीदें हैं, लेकिन बीजेपी के लिए क्या ये मुश्किल होगा तमाम जो चीजें हैं पार्टी के अंदर की उनको सामान्य बनाकर रखना, किसी तरह की नाराजगी ना हो किसी भी पक्ष में? देखिए, बीजेपी एक बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है। हाईकमान ने जो एक बार फैसला कर लिया जी, उसको आगे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी जो एमएलएज हैं या सभी जो नेतागण हैं वो उसके फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ अभी मेरे काबिल दोस्त कांग्रेस से प्रवक्ता बता रहे थे कि कांग्रेस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आई है कि उन्होंने 21 सीट्स जीत ली, लेकिन यहाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि आधे में भी नहीं पहुँची है बीजेपी के, अगर आप देखें इसको सीट की गणना के हिसाब से। लेकिन ठीक है, इसमें आपने अगर 21 सीटों पे जश्न मनाना है तो मनाएं, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी आज बड़े ही एक एग्जांपल आज उन्होंने आपके सामने सबके देश के रखा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल है कि किसी भी सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति बच्चा देश के किसी भी पोस्ट पर पहुंच सकता है, किसी भी पद पर पहुंच सकता है। हालांकि हमने 18 दिसंबर से ये दिखाना शुरू किया था जब जयराम ठाकुर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए निकले थे कि उनको बड़ी कुर्सी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन चूंकि आप बीजेपी से आते हैं आपसे जनता ये जानना चाहेगी कि फेहरिस्त लंबी थी जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल थे और संवैधानिक रूप से धूमल को भी जिम्मेदारी दी जा सकती थी, जम्वाल की बात कर लें वो भी आरएसएस से आते थे, जयराम ठाकुर ही क्यों, अगर आपसे जानना चाहते। देखिए, जब पार्टी ने इलेक्शन के टाइम पे एक चेहरा सामने रखा जी धूमल साहब का, लेकिन किसी कारणवश वो अपनी सीट उनकी नहीं बच पाई और वो नहीं जीत सके, उसके बाद इस तरह की अब अगला कौन होगा इसके लिए थोड़ा चिंतन मंथन करना पड़ता है और किया पार्टी ने। ठीक है, उसके पार्टी के सभी पहलुओं को देखते हुए अगर आज जयराम ठाकुर जी का नाम सामने आया है तो पार्टी ने सारी विशेषताएं भी देखी और सभी प्लस माइनस देखे और उनकी मेहनत उनकी स्ट्रगल देखी, लगातार कंसिस्टेंटली वो जीत करके आ रहे हैं वो देखा और आज उनको मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है, लकी साहब, बातें तो ये भी रही कि जिस इंसान को आप लेकर आती हैं, जिनका खुद का बड़ा राजनीतिक कद है, दो बार मुखिया वो रही हैं, उनको पार्टी सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारती है, बहुमत हासिल करती है, लेकिन सीएम कोई और बनता है, वो तो अब भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति है कि मरता क्या ना करता। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो इन्होंने एक चेहरा पेश किया था, ये बड़ी जीत की बात मेरे साथी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पर ये भूल जाते हैं कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर इन्होंने उतारे हैं और जिसको इन्होंने कहा कि ये हमारे प्रदेश के लीडर होंगे, हिमाचल की जनता ने उसी व्यक्ति को हरा दिया। तो इस करके ये इनको नहीं कहना चाहिए। मैं सबसे बड़ी बात, यहाँ सीटों से आकलन नहीं हो सकता। मैंने पहले भी एक कार्यक्रम के अंदर जिक्र किया था आपके चैनल पर ही शायद, कि जहां पर हमेशा ये होता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, पर अगर आप इनकी वोट परसेंटेज देखेंगे ना, 2-3% का फर्क हमेशा रहता है हिमाचल में, दोनों पार्टीज का एक सॉलिड वोट बैंक वहां पर है और मैं समझता हूं कि एक बार एक पार्टी जीतती है दूसरी बार दूसरी पार्टी जीतती है और काफी समय से ये चलता आ रहा है। ठीक है, अब आप मानते हैं चुनाव, पहले चुनाव, से, चुनाव से पहले ना आपने माना ना राजा साहब मानते हैं, वीरभद्र सिंह नहीं मानते कि एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी, हमने जो विकास किया 5 साल में वो काम करेगा, हम सत्ता का जो रिवाज चला रहा है, सियासत की जो परंपरा चली आ रही है उसको बदलेंगे, हालांकि कामयाब नहीं हो सके। ढिल्लो साहब, आप ये बता दीजिए, क्या धूमल साहब के जो भी समर्थक हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जिनकी ओर से उस वक्त उनके पक्ष में नारे लगाए गए जब ऑब्जर्वर्स जो है मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त कहा गया कि धूमल सीएम चाहिए, उसके बाद क्या उनके समर्थकों के साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये दगा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, अभी जो तय हो गया है तो उसके हिसाब से ही सारे के सारे एमएलएज और सभी लोग चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, हर एक का जब कोई हम चुनाव जीत लड़ने के लिए सब टिकट मांगते हैं, सबका अधिकार है, उसके बाद जब कोई डिसीजन होना है उसके लिए सब अपनी अपनी दावेदारी करें, वहां तक वो ठीक है, लेकिन डिसीजन होने के बाद जब वो डिसीजन हो गया उसके बाद सब दावेदारी कहां की, जिसको आपने सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, उनके कार्यकर्ता उनके समर्थकों की ओर से ये दावेदारी की गई, ये नारे लगाए गए। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद चर्चा हम करेंगे उन सवालों पर जो ये भी पूछते हैं कि शनिवार देर शाम ही प्रेम कुमार धूमल की ओर से प्रेस नोट क्यों जारी किया जाता है, क्या तब उनको भनक मिलती है, क्या तब उनको संकेत मिलते हैं कि आपको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, क्योंकि
आप हार गए हैं। सवाल कई हैं, जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हिमाचल में जय जयराम हो चुका है और ये वो स्थिति है जो चुनाव से पहले देखी सुनी समझी नहीं गई थी, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, कयास भी नहीं थे। लेकिन खबरें अभी तक ने कयास जो लगाए थे, जो बातें आपको बताई थी सूत्रों के हवाले से, उस वक्त जिस वक्त प्रेम कुमार धूमल पिछड़ते नजर आए थे, मतगणना के रुझान जब सामने आ रही थी कि जयराम ठाकुर को बड़ी कुर्सी मिल सकती है, अगले मुखिया वो हो सकते हैं हिमाचल के, और इसी तरह का फैसला आज निकल कर सामने आया। तो हिमाचल में बीजेपी की जीत और धूमल की हार ने सीएम के नाम पर सस्पेंस जो बरकरार था उसे खत्म कर दिया। आखिरकार 6 दिनों के मंथन के बाद बीजेपी ने जयराम ठाकुर को सीएम घोषित कर दिया है। सीएम की रेस से नड्डा और धूमल की चर्चा खत्म हो चुकी है। आखिरकार बीजेपी में जयराम ठाकुर के नाम पर सहमति कैसे बनी, पूरी पार्टी एकमत कैसे हो पाई और बीजेपी को कैसे भा गए मंडी के जयराम ठाकुर, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल की कमान अब एक नए ठाकुर के हाथों में होगी। 13वें सीएम के तौर पर 27 दिसंबर को जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल सकते हैं। जयराम ठाकुर के नाम का ऐलान होते ही चुनाव परिणाम के बाद से चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। हिमाचल की जनता ने जिस कमल पर भरोसा जताया उसे जयराम ठाकुर के रूप में नया सीएम मिल गया। भले ही पहली बार की विधायक दल की बैठक में ये फैसला नहीं हो पाया और दूसरी बार दिल्ली से पर्यवेक्षक दल को भेजना पड़ा, इस बार जैसे ही दिल्ली से भेजे गए मोदी शाह के दूत दूसरी बार शिमला पहुंचे, ये तय हो गया था कि वो दिल्ली में संदेशा पहुंचाकर मोदी शाह की आज्ञा लेकर वापस हिमाचल पहुँच गए हैं। अब इंतजार था बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद होने वाली घोषणा का। बैठक में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने प्रस्ताव किया कि पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री जयराम ठाकुर जी को विधानमंडल दल का नेता चुना। अभी 1 नवंबर को और से प्रस्तावित और समर्थित हुआ है, कोई अन्य नाम तो और प्रस्तावित नहीं होने वाला है। कोई प्रस्ताव दूसरा सामने विद्यमान नहीं है, इसलिए श्री जयराम ठाकुर जी को विधानमंडल दल का दिल्ली से शिमला पहुंचे नरेंद्र तोमर ने जैसे ही ये घोषणा की कि जयराम ठाकुर को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, सब ढोल नगाड़े बजाने लगे, जश्न मनाने लगे। लेकिन वहां कोई अपनी दर्द छुपाए चेहरे पर मुस्कान लिए भी खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे हार के दर्द से ज्यादा कुर्सी न मिलने का दर्द साफ झलक रहा हो। भले ही धूमल ने ही ठाकुर को सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव रखा हो, आखिर हो भी क्यों ना। 6 दिनों की मंथन के बाद जयराम ठाकुर का नाम जो सामने आया था, नाम का ऐलान होते ही ठाकुर ने हिमाचल की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद और पार्टी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, उनका भी धन्यवाद करता हूं, प्रदेश के नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं, सभी विधायकों का, और जिनके आशीर्वाद से मुझे विधायक दल का नेता चुना गया आज, और आने वाले समय में हमारी सरकार का गठन होगा और जहां हिमाचल प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है उस दिशा में हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। 27 तारीख को शपथ ग्रहण होगा हिमाचल प्रदेश का, और हमने निमंत्रण और खास तौर से हमने विनम्र आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो भी रहें और उनके साथ और भी प्रदेशों के हमारी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी रहने वाले हैं।
मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार का जनमत दिया है उस दृष्टि से एक चुनौती भी हमारे सामने है और उस चुनौती को हम उसका सामना करने के लिए हम सक्षम हैं। उसको ठीक प्रकार से आने वाले समय में हिमाचल को आगे विकास की राह पर बढ़ाने के लिए युवाओं का जिस प्रकार से अपेक्षाएं हमसे उम्मीद हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। आपको बता दें कि उससे पहले भी सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा चल रही थी। कोई धूमल को सीएम बनाए जाने की बात कह रहा था तो कोई नड्डा का नाम सीएम की रेस में आगे बता रहा था। हालांकि जयराम ठाकुर भी इस दौड़ में कहीं पीछे नहीं थे, लेकिन इनके सीएम बनने के पीछे कई वजह रही है। जयराम ठाकुर के सीएम बनने के कारणों को देखें तो धूमल और नड्डा की तुलना में कम उम्र में ज्यादा अनुभवी होना उनके लिए कारगर साबित हो गया। हालांकि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर चुनाव जीतने वाली पार्टी के लिए ठाकुर जाति पहली पसंद था, उसमें भी जयराम ठाकुर खरे उतरे। अनुभव के मामले में जयराम ठाकुर 1998 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। धूमल सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री और संगठन की बात करें तो 1992 में जम्मू कश्मीर में एबीवीपी के प्रचारक रह चुके हैं। साफ छवि, केंद्र और संगठन के बीच अच्छा तालमेल शायद हाईकमान को पसंद आ गया। ऐसे में मंडी जिले में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। शायद बीजेपी ने जीत के जश्न का सबसे बड़ा तोहफा जयराम ठाकुर को देना उचित समझा। जीत के जश्न के साथ साथ आने वाले जन्मदिन और नए साल का तोहफा भी जयराम ठाकुर के लिए काफी अच्छा है। 6 जनवरी को इस बार ठाकुर जब 53वां जन्मदिन मनाएंगे तो हिमाचल के सीएम के तौर पर अपने जन्मदिन का जश्न मना पाएंगे। उम्मीद है बीजेपी हाईकमान के साथ साथ हिमाचल की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की वो कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो एबीवीपी से लेकर आरएसएस से लेकर खुद संगठन में लेकर और जो विधायक बने जिस तरह से, हालांकि 1993 में वो हारे लेकिन 1998 के बाद लगातार 5 बार विधायक वो बने, तो कहीं काफी मजबूत उनकी स्थिति थी, बड़ा वो नाम थे और आज मुहर भी लग गई है, फैसला भी बीजेपी ने कर दिया है। चर्चा हम कर रहे हैं ढिल्लो साहब, हालांकि अच्छा ये फैसला है, उम्र के लिहाज से बात कर ली, साथ ही जातिगत जो समीकरण सधते नजर आए वो बीजेपी के लिए अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन धूमल साहब की राजनीतिक करियर को क्या नजरअंदाज किया गया, अगर नहीं तो आगे क्या होगा उनके करियर का? देखिए, आप अगर मान लीजिए कि सीएम धूमल साहब को अनाउंस किया जाता जी, तो हमारे सभी यही साथी, इनका कहना ये होता कि जी हारे हुए व्यक्ति को आपने फिर से आगे ले। नहीं, आपके किसी साथी ने आपसे नहीं पूछा, विपक्ष नहीं पूछता, मैं पूछती हूँ उस आवाम के लिए पूछती हूँ जिसके जिन्होंने वोटिंग की है, बहुमत आप लोगों को दिया है और धूमल साहब की अगुवाई के चलते हुए वोटिंग की गई, उनके नाम पर वोट भी ले लिया गया। अब धूमल साहब के राजनीतिक करियर का क्या होगा, क्या कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढा गया, क्या राजनीतिक कोई विकल्प उनको दिया जाएगा? देखिए, ये सब फैसले हाईकमान करता है जी, और केंद्रीय लीडरशिप जैसा भी तय करेगी उसी हिसाब से आगे जो भी चलेगा सिस्टम, लेकिन इसमें हम कुछ बोलें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है कि किसका क्या रोल होगा, किसका क्या रोल होगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से फैसले लिए गए हैं, आपने हरियाणा का इलेक्शन देखा था, मनोहर लाल खट्टर जी का नाम पहले कभी किसी ने उसमें राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं आता था, लेकिन जब सीएम का अनाउंस हुआ और आज बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह हमारा बाकी अदर स्टेट्स भी हैं, तो ये सब चलता रहता है। आरएसएस का आशीर्वाद जरूरी है, संगठन में मजबूत होना जरूरी है, संगठन में मजबूत होना तो जरूरी है ही। हाँ। जो अपनी विचारधारा से शुरू से जुड़ा है और अच्छे तरीके से काम करना उसकी सब है, उसमें टैलेंट है, तो वो आगे बढ़ेगा। यही एक अच्छी एक बात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हर एक को मौका मिलता है जो उसके अंदर। जनाब, सवाल ये है कि 73 साल वो पूरे कर चुके हैं, अगली बार के चुनाव तक की तो बातें ही नहीं हो सकती, अगली बार ना ही पार्टी उनको सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है, तो बाकी क्या विकल्प हो सकते हैं धूमल साहब के लिए? ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, एचएस लक्की जी, आपको क्या लगता है? तो तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल के लिए बड़ा ये दिन है, मंडी के लिए बड़ा ये दिन है। ये तस्वीरें आप देखिए, हिमाचली टोपी पहने लोग भी आपको नजर आ रहे हैं। जयराम के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं।
तो जयराम ठाकुर के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। ये वो समर्थक हैं जिनकी खुशी आज मापी नहीं जा सकती, जब उनके नेता को सीएम घोषित किया जा चुका है, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और मंडी सीएम देने जा रही है। तो किन्नू और साथी सेब को लेकर जो राजनीति होती थी उसमें कितना बदलाव आएगा, ये क्या हिमाचल की राजनीति का बदलता दौर होगा, कौन सी चुनौतियां होंगी, अब ठाकुर साहब के सामने वो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन चेहरों की खुशी आप पढ़ सकते हैं जो जयराम ठाकुर के नाम की घोषणा होने के बाद लगातार बरकरार है। लोग नाच कर गा कर जयराम ठाकुर के पक्ष में गाने के जरिए नारे लगाकर ये खुशी मना रहे हैं। तो आज तस्वीर साफ है, फैसला लिया जा चुका है। लेकिन इससे पहले खबरें अभी तक ने एक सर्वे भी किया जिसमें निकलकर सामने आया था कि जयराम ठाकुर इस रेस में सबसे आगे हैं, वो सीएम बन सकते हैं। तो 19 दिसंबर को सर्वे ये किया गया, जयराम ठाकुर को 45%, जेपी नड्डा को 25% लोग वो रहे जो सीएम पद के दावेदार के तौर पर पसंद करते नजर आए। प्रेम कुमार धूमल हालांकि अपनी सीट वो हार गए, लेकिन आवाम ने 20% उनको पसंद किया। अजय जम्वाल जो कि आरएसएस से आते हैं, चूंकि आरएसएस से जुड़ाव के चलते उनका भी नाम माना गया, तो 10% उनको। उसके बाद 20 दिसंबर को हम सर्वे करते हैं जिसमें 60% लोग ठाकुर के साथ जाते हैं, जेपी नड्डा को 30% लोग पसंद करते हैं, प्रेम कुमार धूमल 20% से घटकर 10% पर यहाँ आ जाते हैं। तो जो उनको पसंद करने वालों की संख्या थी उसमें भी एक गिरावट देखी गई। तो दो सर्वे खबरें अभी तक की ओर से किए गए, सीधे जनता की राय हमने जानी, फोन लाइन के जरिए लोग जुड़े, जिसमें से 60% जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा साफ तौर पर माना जा सकता है, वो जयराम ठाकुर के साथ जाता नजर आया। तो चर्चा हम कर रहे हैं। और लकी साहब, आपको क्या लगता है, अगर धूमल साहब को कोई राजनीतिक विकल्प उनके सामने पेश नहीं किया जाता, क्या लगता है, क्या अनुराग ठाकुर को जिम्मेदारी मिल सकती है, क्या उनको मंत्री बनाया जाना आसान होगा? उस राज्य से वो आते हैं जहां से सिर्फ 4 लोकसभा सीटें हैं, जहां से एक मंत्री पहले ही आते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय वो संभालते हैं। देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है जी, पर पिछले दिनों के अंदर जो देखा गया, जो पिछले हफ्ते भर के अंदर जो सारा हिमाचल के अंदर एक सीन बना वहां पर, कि धूमल साहब के हारने के बाद जब जयराम ठाकुर जी का नाम आगे आया, क्योंकि हाँ। वो भी वहाँ से राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक प्रीडोमिनेंट कास्ट है वहाँ हिमाचल के अंदर, उसके बाद वहाँ पर एक सियासत शुरू होती है। धूमल साहब ने शक्ति प्रदर्शन कर एमएलएस को अपने साथ दिखाने की कोशिश की, और जब उनके केंद्रीय पर्यवेक्षक भी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर आपस के अंदर काफ़ी भिड़ंत भी हुई, नारेबाजी भी आमने सामने हुई, और उसके बाद मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की खबरें भी गई कि वहाँ पर इस तरह का माहौल बन रहा है। मैं समझता हूं कि ठीक है, आज की डेट में क्योंकि इनका केंद्रीय नेतृत्व जो है इस समय मजबूत है, मोदी जी वहां पर प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी अध्यक्ष हैं, और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में इन दो लोगों के हाथ में सारी कमान है, तो धूमल साहब अभी के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा नीचे जो बैठ गए हैं और थोड़ा सा वो पीछे हट गए हैं, और उन्होंने वो जैसे प्रस्ताव का उन्होंने वहां पर अनुमोदन तो किया, वहां पर उन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि जी जयराम ठाकुर जी को बना दीजिए, पर हाँ। आने वाले दिनों के अंदर जो हिमाचल के अंदर सियासत होगी वो मेरे हिसाब से आसान नहीं होगी, जो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उनके लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पहले बदलने के साथ साथ बीजेपी पहले 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 ही कुछ धड़े वहां पर हैं, नड्डा साहब का भी धड़ा वहां पर है और धूमल साहब का भी है, और अब एक जयराम ठाकुर जी का। आपको भी कुछ कहना है साथ ही, आप ये भी बता दीजिए, 18 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ गए थे, उसके बाद शनिवार शाम को ही प्रेस नोट क्यों जारी किया जाता है, इस बात का जवाब नहीं आया था चर्चा में। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई लकी जी ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने ये माना कि दो लोग हैं जो फैसला करते हैं, चलो शुक्र है इन्होंने दो लोग तो कहा, लेकिन इनकी पार्टी में तो एक ही है जो फैसले थोपता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पूरा बैठक होती है, उसमें सारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उस तय करता है सारा सिस्टम। हाँ। और अभी पीछे बात कर रहे थे कि वोट परसेंटेज की, तो वोट परसेंटेज मैं इनको बता दूं कि कांग्रेस का कहां रह गया है, 40% 41% पे, और भाई भारतीय जनता पार्टी 49.1% पे गई है, इसलिए कहीं भी ये छोटे छोटे चीज़ें ढूंढ लेते हैं खुश होने के लिए, लेकिन
असलियत जो है वो इनको गुजरात में भी नजर आ गई और आज हिमाचल में भी नजर आ गई। जवाब दे दीजिए, आज कांग्रेस पर वार करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, आपसे सवाल किए जाने का ये वक्त है। मैंने ये जानना चाहा कि धूमल साहब शनिवार को ही प्रेस नोट क्यों जारी करते हैं कि वो रेस से बाहर हैं, इससे पहले इस तरह की बातें नहीं कही थी। मुझे नहीं लगता कि इसको आप राजनीतिक एंगल से देखना चाहिए। प्रवेशक जो हमारे दिल्ली से आए, बातचीत हुई, बैठकें हुई, बैठकों का दौर चला, उसके बाद जो भी सामने निकल के आया उसी हिसाब से धूमल साहब ने किया। इसमें कोई इसको राजनीतिक एंगल से देखें कि ऐसा क्यों हुआ, शनिवार को नहीं, क्यों किया, एंगल से फ्राइडे को क्यों किया, ऐसा। जब ऑब्जर्वर्स बैठक कर रहे थे, धूमल के कार्यकर्ता जो आते हैं, हालांकि कार्यकर्ता वो बीजेपी के हैं लेकिन उनके पक्ष में जब नारे लगाते हैं, उनके समर्थक जब सामने आते हैं, धूमल को ही सीएम बनाए, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, उस वक्त स्थिति साफ क्यों नहीं की गई? देखिये, जो क्या हाईकमान का फैसला सुनाया गया धूमल साहब को, प्रेस नोट जारी कीजिए, आप जनता में साफ संदेश भी दीजिए। कार्यकर्ता हमेशा अपने लीडर के लिए चिंतित रहता है, उसके लिए वो नारेबाजी भी करता है, कार्यकर्ता को लगता है कि जिसके वो नजदीकी होता है। लेकिन जो ऊपर से फैसला हाईकमांड ने कर दिया, प्रवेक्षकों ने जब बैठक में देख लिया, सबसे बात हुई, जो फैसला आ गया उसके बाद सबको वो माननीय है और बड़ी ही वो मानना ही एक विकल्प है, खासतौर पर बीजेपी भी, हालांकि ऐसी ही पार्टी हम कह सकते हैं, गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं यहाँ पर भी कि आप गुटबाजी करेंगे। और उनका प्रस्तावना ही उनके नाम की, जयराम ठाकुर जी के, हमारे धूमल साहब ने की है प्रस्तावना, और एक ही प्रस्ताव आया, उसके ऊपर जो नतीजा निकल के आ गया, ये सब तो बाकी मैदान में कुछ चर्चा करेंगे। सवाल भी है, ये भी सवाल है अभी की चुनौतियां कितनी है और क्या कुछ मकसद होंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी जयराम ठाकुर की, चर्चा करेंगे। और साथ ही कई दिनों के मंथन के बाद अब जयराम ठाकुर को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। 27 दिसंबर को शपथ लेने के साथ ही वो हिमाचल के 13वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हिमाचल की सियासत में अब तक एक बड़ी रोचक और बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आई है कि हिमाचल में अब तक, यानी कि हम बात कर लें डॉक्टर YS परमार से लेकर जयराम ठाकुर तक, सभी मुख्यमंत्री बिना मूछों वाले रहे। तो क्या है ये हिमाचल और सीएम का मूछ कनेक्शन, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल की राजनीति में मुख्यमंत्रियों पर गौर करें तो जहन में हमेशा दो सवाल रहते हैं। एक कि क्या हिमाचल की राजनीति में मूछों वाले नेता सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते, और दूसरा कि क्या हिमाचल में बिना मूछों वाले नेता ही सीएम बनेंगे। ये बात एक बार फिर साफ हो गई है, हिमाचल को जयराम के रूप में एक नया सीएम मिल गया है। इससे पहले जयराम का लुक कुछ इस तरह का था, जयराम हल्की हल्की मूछें रखते थे, लेकिन अब जयराम का नया लुक सामने आया है। जयराम ठाकुर का नया लुक सामने आने के बाद ये बात एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है और सवाल उठ रहा है कि जयराम ने हिमाचल की गद्दी तक पहुंचने के लिए अपनी मूछों की कुर्बानी दी। सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे जयराम ठाकुर इन दिनों क्लीन शेव दिख रहे हैं, कभी उनकी मूछें पूरी तरह से गायब हो जाती हैं तो कभी वो हल्की मूछें रखते हैं, और जैसे ही जयराम की मूछें गायब हुई, जयराम का सितारा चमक उठा। और इसके साथ ही तमाम अड़चनों को पार करने के बाद अब ये तय हो गया है कि बीजेपी के राम हिमाचल का ताज पहनेंगे। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि हिमाचल का सीएम और मूछों के बीच क्या कोई रिश्ता है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, चलिए इतिहास की बात करते हैं और शुरू करते हैं हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार से। सबसे पहले डॉक्टर YS परमार मुख्यमंत्री बने जो कि क्लीन शेव थे। उनके बाद आए डॉक्टर रामलाल, उनकी भी मूछें नहीं थी। और इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने वीरभद्र सिंह, सीएम वीरभद्र सिंह भी क्लीन शेव हैं। शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल भी बिना मूछों के थे। अब तक बिना मूछों वाला ही हिमाचल प्रदेश का सीएम रहा है, तो क्या इसे संयोग कहा जाए या फिर नेताओं का अंधविश्वास? मगर कहानी यही नहीं थम रही। जयराम ठाकुर के सीएम बनने से पहले प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का नाम भी सीएम की रेस में सबसे आगे रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो JP नड्डा मूछें रखते हैं। ऐसे में जनता के जहन में सवाल ये उठ रहा था कि JP नड्डा की मूछें उनको कुर्सी तक पहुँचने के लिए रोक देती है या फिर इतिहास बदल देती है।
लेकिन जयराम के सीएम बनते ही ये साबित हो गया कि सच में देवभूमि हिमाचल को बिना मूछों वाला सीएम पसंद है, और शायद यही जेपी नड्डा को सीएम की कुर्सी से दूर रखने की भी वजह बनी है। खबरें अभी तक के लिए अनिल पराशर की रिपोर्ट। तो हैरानी तो होती है, लेकिन बेहद दिलचस्प ये बात है कि पहाड़ी राज्य हिमाचल को बिना मूछों वाले सीएम रास आते हैं। हालांकि चर्चा भी हम कर रहे हैं, और इस चर्चा का बड़ा सवाल अभी बरकरार है कि कितनी चुनौतियां होंगी जयराम ठाकुर के सामने। तो बीजेपी से हम जानते हैं कितनी क्या कुछ लगता है ढिल्लो साहब, वो चुनौतियां हैं जिन पर पार पाने की जरूरत होगी, कौन से वो काम है जो किए जाने जरूरी होंगे। चुनौतियां तो रहती है, आज कोई भी सीएम, आज चाहे जयराम ठाकुर हो, चाहे प्रेम कुमार धूमल हो, या उससे पहले के जितने भी हमने नाम गिनाए, हर बार एक चैलेंज रहता है। कुछ हमने कार्यक्रम तय किए होते हैं, उसको आगे लागू कैसे करना, उसको जमीन पर कैसे उतारना, ये सब एक चैलेंज की तरह ही लेना पड़ता है। और मुझे लगता है कि उनका जो तजर्बा है, 5 बार वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, उनको असेंबली का तजर्बा और बाकी सब का भी है, और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ। तो इसलिए उनको पूरा तजर्बा है, वो बड़े अच्छे से सब चला लेंगे, और बड़े काबिल सीएम के तौर पर मुझे उम्मीद है कि वो निकल के सामने आएंगे। ठीक है, तो जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उन पर कब काम शुरू हो जाएगा, और उनमें से कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जिन पर सीएम साहब, उनके जो कैबिनेट बनने जा रही है वो और पूरी सरकार काम करेगी? ये तो बहुत जल्द जब वो सीएम की कुर्सी संभालेंगे उसके बाद वही बताएंगे कि उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं और किस तरह से वो काम करने का उनका क्या स्टाइल रहेगा, वही वो सीएम साहब ही बता पाएंगे। ठीक है, लकी साहब, जिन मसलों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार में आई है, बेरोजगारी की बात कर ले, कानून व्यवस्था की बात कर ले, साथ ही कोटखाई गुड़िया गैंगरेप मामला की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार, क्या लगता है इन चुनौतियों से पार पा लेगी बीजेपी, जयराम ठाकुर पूरी तरह से पास हो जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी के लिए तो हम उनको सिर्फ शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो नए मुख्यमंत्री का, अभी तक उन्होंने जो ताज है उनके सर पर सजा भी नहीं, अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है, और सरकार अभी बनेगी, 27 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, और कांग्रेस पार्टी अभी उनको समय देना चाहेगी। पर मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार रही है और बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे भी की गई थी, काले धन के बारे में भी की थी, और ऐसे बहुत से वायदे किए गए थे जिनको बाद में आज लोग जुमलों का नाम ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत जल्दी होगा हिमाचल के संदर्भ में ऐसा कहना। उम्मीद करता हूँ कि नए मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी कुर्सी संभालेंगे, लोगों की नब्ज को समझेंगे, और जो वादे उन्होंने किए उसको पूरा करने की वो चेष्टा करेंगे। लोग नहीं जुमले कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले ही सिर्फ जुमले कह रहे हैं, लोग तो अपनी वोट के माध्यम से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री, इनके पार्टी प्रधानमंत्री पे कितना। अरे मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ, इनके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, इनके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद कहा था कि ये जुमला था, अध्यक्ष ने कहा जुमला था, अमित शाह जी ने खुद कहा था हिमाचल पर रहेंगे। ढिल्लो साहब, अब जिस तरह से सीएम बन चुके हैं, घोषणा हो चुकी है, क्या लगता है, जो हमने भी चर्चा की बार बार पैनल पर, कि जातिगत समीकरण से बीजेपी दूर नहीं जा पाएगी, आप सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करते हैं, वो भी ठाकुर समुदाय से आते हैं, आखिरकार अब जब सीएम चुन लिया गया, घोषणा कर दी गई, वो भी ठाकुर समुदाय से? नहीं, पर इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको जातिवाद से जोड़ के देखना चाहिए। इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? एक लीडर है, मजा हुआ लीडर है। हाँ। जिसने लगातार इलेक्शंस जीती हैं, जिसने जो प्रचारक रहा है पहले, और उसके बाद एबीवीपी में जिसने लगातार काम किया, उसके बाद युवा मोर्चा का सवाल जो है आवाम के जाति के आधार पर, अगर आप कह दें कि उसको जेपी नड्डा जो है पीएम के करीबी है, अमित शाह के करीबी वो माने जाते हैं, लेकिन वो ठाकुर समुदाय से नहीं आते, जो एक नेगेटिव फैक्टर उनके साथ जा सकता है, तो उन्हीं के खेमे से वो शख्स चुनना जिसका राजनीतिक कद भी बड़ा है, अनुभव भी बड़ा है, और सबसे बड़ी बात की ठाकुर समुदाय से भी आते हैं। देखिए, मैं इसे दूसरे एंगल से देखता हूँ। जेपी नड्डा जी केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और है। वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको उनकी जरूरत वहां पर है, वो वहां से अच्छा काम करके अपना जो उनकी ड्यूटी है उसको पूरा कर रहे हैं। और आज हिमाचल का जो अगर सीएम है, उसका हिमाचल को देखने का उसका काम है, तो इसलिए इसमें इसको जातिगत तरीके से आप एंगल देने की कोशिश करें तो वो नहीं है। नहीं, आप नकार भी नहीं पाएंगे, हालांकि आप नकार नहीं पाएंगे कि जातिगत फैक्टर को साधने की, हालांकि कांग्रेस भी कोशिशें करती है, आप भी कोशिशें करते हैं, और वोट बैंक मजबूर करता है कि ये समीकरण आप साध कर चले। मैं यहां से क्लियर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप दोनों मेहमानों का बने रखने के लिए, वक्त देने के लिए। तो चर्चा हमने की कि जयराम ठाकुर के सामने कितनी चुनौतियां होंगी खुद पार्टी के अंदर और खुद सूबे में, कौन कौन से ऐसे मुद्दे
होंगे, कौन कौन से ऐसे कहीं विकल्प उनके सामने होंगे जिन पर जल्दी और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और साथ ही बीजेपी की जो राजनीति है उसमें कितना बदलाव होगा, धूमल साहब के राजनीतिक करियर पर क्या फर्क पड़ेगा, इन सवालों के जवाब लिए फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।